आज जो आप भव्य रूप देख रहे हैं, परम पूज्य बाबा जी महाराज जी ने जब यहाँ प्रथम बार आगमन हुआ था और उन्होंने यह कहा था कि मैं हनुमान जी यहाँ पर स्थापित करूँगा, जो तब से, और उस समय यह भी कहा था कि भव्य मंदिर बनेगा, देश विदेश से लोग आएंगे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, वही स्वरूप आज हम क्या, आप सब क्या देख रहे हैं और उनके आशीर्वाद का आनंद ले रहे हैं। हम बाबा जी से यही प्रार्थना करते हैं कि यह शुभ घड़ी, यह सब दिन बना रहे और सब भक्त लोगों को बहुत आपका परम आशीर्वाद प्राप्त होते रहे। इसलिए यह 15 जून का विशेष महत्व हम सबके लिए जनमानस में बना हुआ है। गिनती की भी जाती न करते हैं और न कभी प्रसाद की मात्रा की गिनती करनी चाहिए, यह अखंड भंडार माना जाता है। और पर हम यह प्रार्थना करते हैं कि जो भी श्रद्धालु भक्तजन का अधिक या कम जितना भी बाबा जी देना चाहेंगे उसको प्रसाद मिल जाए, बस यही प्रार्थना रहती है। संख्या तो लगभग लगी रही है इस बार, कुछ प्रशासन ने व्यवस्था भी अच्छी कर रखी है, तो अब तो गाड़ियाँ सब बड़ी गाड़ियाँ तो कोई भी नीचे नहीं आ रही है, सब पैदल मार्ग चल रहा है। ये जब सुनने में आया कि यहाँ से 4 किलोमीटर आगे तक पैदल पैदल ही लोग चले आ रहे हैं, क्योंकि कैची धाम में लगातार सीजन में भारी भीड़ आ रही थी, इसको देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि इस बार जो है 5 लाख तक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद थी। इसको देखते हुए एक नया प्लान लागू किया गया है जिसमें भवाली से शटल सेवा के माध्यम से ही श्रद्धालुओं को यहाँ लाया जा रहा है। 7 पार्किंग वहाँ पर आइडेंटिफाई की गई थी जिसमें से 2 बाइक्स की पार्किंग थी, बाइक्स की पार्किंग अभी फुल हो चुकी है, एक तीसरी नई पार्किंग में उनको डाला जा रहा है और जहाँ तक जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और रात तक ये आंकड़ा पार भी हो सकता है। इसमें 3 कंपनी PAC लगाई गई है, उसके अलावा 5 हॉक लगाए गए हैं ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, 6 CO लगाए गए हैं और 2 एडिशनल SP लगाए गए हैं। इसमें 300 से ज़्यादा कांस्टेबल लगाए गए हैं और 10 इंस्पेक्टर इसमें ड्यूटी पे लगाए गए हैं, इसलिए हर जगह पे 2 शिफ्टों पे ड्यूटी दी जा रही है और भारी संख्या में फोर्स को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुरक्षित यात्रा सबके लिए रहेगी। पीछे जो उद्घोष चल रहे हैं उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि भक्त जो है सुबह से ही जो है भारी संख्या में यहाँ पर आ गए थे और जो इनका आगमन हुआ वो रात के 10 से शुरू हो गया था, तो अभी भी 3 किलोमीटर से ऊपर की लाइन लगी हुई है जिसको देखते हुए भक्तों के उत्साह का हम लोग आकलन कर सकते हैं। ऐसे अनुमान था कि 5 लाख करीब भीड़ आएगी तो उसके हिसाब से ये प्लानिंग की गई। My life through Ramdas Richard Alpert. In the United States, I was listening to Ramdas speak, and then a friend of mine gave me a book, Miracle of Love. And I was reading that book, and then I started seeing him in everything. And I was meditating, he came down into my heart and showed me that I am love.